हेलो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो यार। तो मैं हाजिर हो चुका हूँ एक और नए ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को फोर फिंगर क्लॉ का एक बहुत ही अमेजिंग सा लेआउट दिखाऊंगा, और साथ ही साथ मैं आपको उस लेआउट के अकॉर्डिंग उसकी बेसिक सेटिंग, सेंसिटिविटी, और आपको मैं उस लेआउट का कंट्रोल कोड भी दूंगा, जिससे कि आप उस लेआउट को, अगर आपको लेआउट पसंद आता हो तो फिर आप उसको फटाक से एक सेकेंड में बना लोगे। और मैं आपको उस लेआउट के एडवांटेजेस को भी बताऊंगा, जिससे कि आपको ये पता चले कि ये लेआउट एक बेसिक फोर फिंगर के लेआउट से बढ़िया क्यों है। तो चलो फालतू में टाइम को वेस्ट न करते हुए मैं सीधा आपको लेआउट के दिखा देता हूं। तो चलो मैं अब आपको लेआउट को दिखा देता हूं। तो फिर जी हाँ, ये रहा वो फोर फिंगर क्लॉक का एक एडवांस सा लेआउट। अभी इसको मैं, चलो इसको यहाँ पे भी जाके दिखा देता हूँ, कंट्रोल्स में जाके दिखा देता हूँ, ताकि आपको सारी चीज़ें बिल्कुल प्रॉपरली अच्छी तरीके से यहाँ पे पता चले। तो यहाँ पे जो लेआउट है वो कुछ इस प्रकार से है। इसमें मैं सिर्फ एक ही फायर बटन यूज़ करने वाला हूँ, और वो है एक इंडेक्स फायर बटन, ठीक है। और ये वाले फायर बटन को मैंने इसको हाइड करके रखा है। अगर आप चाहो इसको यूज़ करना तो कर सकते हो, थोड़ा बहुत अगर आप स्पेस बना सको तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे रख के, जो कि क्लोज रेंज के फाइट के लिए और टैप टैप गन जैसे DMR वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है ये। तो फिलहाल मैं इसको हाइड करके रखा हूँ, इसको मैं नहीं यूज़ कर रहा हूँ, सिर्फ एक ही फायर बटन यूज़ कर रहा हूँ। बाकी सारी चीज़ें हैं आप यहाँ पे हैं जो कि देख सकते हो। यहाँ पे जो FPP है उसको मैंने जस्ट इस पीक बटन के ऊपर रखा है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है FPP यूज़ करने का, लोग बिल्डिंग्स में यूज़ करते हैं FPP बटन को, तो इसको मैंने यहाँ पे दे रखा है सामने ही। और उसके बाद से जो स्कोप बटन है, स्कोप चेंज करने वाले, उसको मैंने यहाँ पे दे रखा है, ताकि आप इसको ईजीली एक्सेस कर पाओ। और जो लोग कैंटेड साइट वगैरह यूज़ करते हैं तो फिर उसके लिए यहाँ पे एक ईजिली एक्सेसिबल मैंने यहाँ पे कैंडिडेट साइड दे रखा है। और कुछ लोग इसको भी यूज़ करते हैं मार्किंग करने के लिए, तो इसको भी यहाँ पे मैंने दे रखा है पास में ही, ताकि आप यूज़ कर पाओ। और उसके बाद से जो आप इमोजी यूज़ करते हो, फटाफट कुछ लोग इमोजी यूज़ करते हैं, उसको मैंने यहाँ पे दे रखा है। और एक चीज़ आप अच्छी तरीके से नोटिस करोगे वो ये है कि जो गन के डॉक्स हैं उनको मैंने ऊपर नीचे करके रखा है, क्योंकि आप ऐसे साइड बाय साइड रखते हो ना तो जिनकी उंगलियाँ छोटी होती है वहाँ पर तो वो सही से पहुँच नहीं पाती, तो इसलिए मैंने इसको ऊपर नीचे करके रखा है, ताकि आप इसको इजीली एक्सेस कर पाओ। ये जो एग्जिट बटन है इसको आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर लेना। और यहाँ पे आप एक चीज़ और देखोगे, ये जो मेन चीज़ है यहाँ पे आप देखोगे, या ये जो किलफीड वाला है, इसको मैंने बिल्कुल इसके ऊपर करके रखा है, ताकि आप जो भी मैचेस की किलफीड है उसको देख पाओ। और ये चीज़ कॉम्पिटेटिव बहुत ही ज़्यादा काम में आएगी, अगर आप कॉम्पिटेटिव खेलते हो तो फिर ये चीज़ आपके बहुत ही ज़्यादा काम में आएगी। जो गन पिकअप करने वाले हैं और आइटम पिकअप करने वाले, उनको मैंने यहाँ पे रखा है, जिससे कि आपकी उंगलियाँ फटाफट पहुँच पाए और आप मूविंग करते करते आप गन को पिक कर पाओ या फिर आइटम्स को पिक कर पाओ। और जो बैकपैक है इसको मैंने यहाँ पे लेफ्ट में करके रखा है। बाकी सारी चीज़ें आप यहाँ पे हैं देख सकते हो। तो चलो अभी मैं आप लोगों को इस लेआउट का एक बहुत ही अच्छा सा एडवांटेज बता देता हूँ। देखो नॉर्मल लेआउट में होता यह है कि अगर आपको बहुत ही दूर ग्रेनेड फेंकना पड़ता होगा तो फिर आपको नेट की ट्रेजेक्टरी नहीं पता चलती कि आपका नेट एक्चुअली में जा कहाँ पर है। जैसे कि आप देख सकते हो, तो मेरे को नहीं पता चल रहा कि मेरा नेट जाने वाला कहाँ पर है, ठीक है। तो इसका मैंने एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन इस लेआउट में दे रखा है। आप क्या कर सकते हो, ऐसे ग्रेनेड का पिन खींच के यहाँ पे, अब आप ये आई बटन का यूज़ करके आप एक परफेक्ट ग्रेनेड को थ्रो कर सकते हो। और इसमें क्या है कि आपको आपके ग्रेनेड की जो ट्रेजेक्ट्री है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से पता चलेगी कि आपका जो ग्रेनेड है वो एक्चुअली में जा कहाँ पे रहा है। तो ये एक काफ़ी अच्छा एडवांटेज है इस लेआउट का। तो चलो अभी मैं आपको इस लेआउट के अकॉर्डिंग इसकी बेसिक सेटिंग्स दिखा देता हूँ। तो इस लेआउट के अकॉर्डिंग इसकी बेसिक सेटिंग्स कुछ इस प्रकार से होंगी। यहाँ पे जो ये जो स्कोप मोड है ये आपका होल्ड पे रहेगा, और उसके बाद से पीक सेक्शन में आपके जो पीक एंड ओपन स्कोप वाला बटन है वो आपका डिसेबल रहेगा, और जो लीन मोड है वो भी आपका होल्ड पे रहेगा। ये एडवांस वाला भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो एडवांस में कुछ आप इस प्रकार से रख लेना, इसमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, आप जैसा रखते हो वैसा रखना। और इसके बाद से मैं आपको सेंसिटिविटी भी दिखा देता हूँ। तो ये रही स्क्रीन की सेंसिटिविटी, ये रही ADS की सेंसिटिविटी, ये नॉर्मल सेंसिटिविटी है। और इसके बाद से मैं आपको जो जायरोस्कोप की सेंसिटिविटी है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये रही जायरोस्कोप की सेंसिटिविटी, और मैं आपको इसका कंट्रोल कोड भी दे देता हूँ। इसका कंट्रोल कोड शेयर, जी हाँ ये रहा इसका कंट्रोल कोड सेंसिटिविटी का, इसको आप कॉपी कर सकते हो, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो चलो अभी मैं आपको इस लेआउट का मैं आपको कंट्रोल कोड दे देता हूँ। तो जी हाँ ये रहा इसका कंट्रोल कोड, इसको आप कॉपी कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, इसको भी जो भी आप कर लो, ठीक है। लेकिन 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 हो सकता है ये कंट्रोल कोड वीडियो अपलोड होने के कुछ दिन बाद, एक हफ्ते बाद या 10 दिन बाद ये कंट्रोल कोड काम ना करे, तो आप नया कंट्रोल कोड मेरे से आप इंस्टाग्राम पे आके मांग सकते हो, वहाँ पे मैं आपको फ्रेश फ्रेश कंट्रोल कोड दे दूंगा।
तो चलो अभी मैं आपको बताता हूँ कि कंट्रोल कोड को अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। तो सपोज करो कि आपने कहीं से कंट्रोल कोड पा लिया, मैंने आपको कंट्रोल कोड दे दिया, आपने कॉपी कर लिया है, तो उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ सेटिंग पे आना है, कस्टमाइज बटन में आना है, और उसके बाद फिर से कस्टमाइज पे जाना है, फिर ये जो आपको यहाँ पे लेआउट वन दिख रहा है ना, इस पे आपको क्लिक करना है, और ये सर्च मेथड यहाँ पे आपको आके अपना कंट्रोल कोड पेस्ट कर देना है, ठीक है, और ओके कर देना है, डन कर देना है। इससे आपका इसके बाद जो लेआउट है वो आपका आ जाएगा, और उसके बाद से आप उसको सेव कर लेना, ठीक है। तो बस यही है आज के इस वीडियो में, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो यार डेफिनेटली वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, उसको दबा कर दो। तो चलो मैं चलता हूँ, बाय बाय।